नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फ्यूचर प्लानिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, कैसे हम लोग सिर्फ एक ट्रेड के मदद से 10% से 15% का प्रॉफिट अर्न करेंगे फ्रेंड्स, वो भी सिर्फ एक ट्रेड में। फ्रेंड्स, सपोज़ आपने मान लीजिए अगर 1 लाख कैपिटल आप यूज़ करते हो तो आप लोगों को वहाँ पर ईजिली 10 से 15 हज़ार का प्रॉफिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए ना फिर उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे इसी तरह के बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड्स, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको इंस्टेंट सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा फ्रेंड्स चार्ट पे चलते हैं कि कैसे हम लोगों को ट्रेड करना है। फ्रेंड्स, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करना है, फ्रेंड्स कौन सी स्ट्रेटेजी का यूज़ करना है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए हम सीधा चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्री का चार्ट ओपन कर लिया है। ये देखिए वीआईपी इंडस्ट्री, और मैंने देखिए यहाँ पे 1 आवर का कैंडल लगाया है। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे 1 आवर का कैंडल लगा के ईजिली फ्रेंड्स पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, या फिर आप लोग यहाँ पे 2 आवर का कैंडल लगा के भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसे 2 आवर पे ट्रेड करना है मैं उसके बारे में ही बताऊँगा। फ्रेंड्स, चलिए पहले 1 आवर पर हम समझ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, वीआईपी इंडस्ट्री, फ्रेंड्स देखिए काफ़ी दिनों से, देखिए 14, 15, 16, 17 तारीख तक फ्रेंड्स ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। फ्रेंड्स, इसी रेंज में, और इसने 17 तारीख को फ्रेंड्स मॉर्निंग में ब्रेकआउट दिया। ये देखिए ये जो कैंडल बना फ्रेंड, इसे बोलते हैं ब्रेकआउट। ये ज़बरदस्त तरीके का ब्रेकआउट है। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स सीधा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। यानी फ्रेंड्स, ये देखिए जब भी कोई स्टॉक काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट करके जब फ्रेंड्स ब्रेकआउट देता है, तो हम लोगों को उस ब्रेकआउट का यूज़ करके फ्रेंड्स डेफिनेटली ट्रेड में एंटर करना है। फ्रेंड्स, यानी जब भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस कैंडल में एंटर करना है और इसके नीचे का फ्रेंड्स स्टॉप लॉस रखना है। यानी जिस टाइम ये ब्रेकआउट दिया फ्रेंड्स, उस टाइम प्राइस ऑलमोस्ट 275 के करीब चल रहा था। फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर यहाँ पे एंटर करते हैं तो फिर देखिए फ्रेंड्स, फिर उसने इस दिन पूरा कंसोलिडेट किया और फिर से एक ब्रेकआउट मिला फ्रेंड्स, सीधा स्टॉक्स ऊपर फ्रेंड्स। और सबसे मज़ेदार बात इसमें ये है कि ये देखिए ये जो लाइन है, ये फ्रेंड्स 7 डेज़ का मूविंग एवरेज है। फ्रेंड्स, 7 डेज़ का मूविंग एवरेज आप लोग इसको ज़रूर लगाइएगा। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, इसे आप लोग ज़रूर मेरे जाके फ्रेंड्स विजिट कर सकते हैं, या फिर मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी विजिट करके ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए ये जो लाइन है, येलो लाइन, ये 20 डे का मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स। और नीचे में आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये MACD है। ये मैंने फ्रेंड्स इन तीनों का वीडियो सेपरेटली एक वीडियो बनाया, आप लोग जरूर वीडियो को विजिट करेंगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों को वो वीडियो भी बहुत पसंद आएगा फ्रेंड्स, कि कैसे इन तीनों की मदद से हम लोग कैसे इंट्राडे में फ्रेंड्स प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। फिलहाल हम लोग फ्रेंड्स इस वीडियो में बात कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना था, इस कैंडल से ब्रेकआउट मिल गया, इस कैंडल पे इंटर करना था। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, उस टाइम प्राइस फ्रेंड्स 275 से भी कम था। उसके बाद ये देखिए सीधा फ्रेंड्स 310 तक फ्रेंड्स से वीआईपी इंडस्ट्री गया था। यानी ऑलमोस्ट 30 रुपये का प्रॉफिट फ्रेंड्स, जो कि 10% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स आप लोगों को। यानी अगर आप लोग 17 तारीख को इंटर करते हैं फ्रेंड्स, तो ईजिली ये देखिए 23 तारीख को आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी फ्रेंड्स 6 दिन में फ्रेंड्स आपको 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल जाएगा फ्रेंड्स, पोजिशनल बेसिस पे फ्रेंड्स। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है फ्रेंड्स, इसको आप लोग जरूर यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, ये जो 7 डेज़ का लाइन है फ्रेंड्स, इस ये फ्रेंड्स एक ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल देखिए ट्रेंड लाइन की तरह, मतलब कैंडल जब भी इस पर आ रहा है फिर वहाँ से ऊपर क्लोजिंग मिल रहा है फ्रेंड्स, ये ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रहा है। और नीचे में जो 20 डे का मूविंग एवरेज है, ये फ्रेंड सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये देखिए मान लीजिए जैसे इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया, फिर देखिए फिर ये सपोर्ट लिया, फिर ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स। और आप लोगों को और एक कन्फर्मेशन मिलेगा, ये देखिए MACD ने भी यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव क्रॉसओवर कर लिया था फ्रेंड्स। यानी MACD करीब वही 14 से 15 तारीख के बीच में ही पॉजिटिव क्रॉसओवर कर लिया था, और यहाँ पे फ्रेंड्स इसने क्लियर कट ऊपर जाना शुरू कर दिया। फिर हालांकि एक बीच में डिप मिला, लेकिन फिर से देखिए फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो जब तक फ्रेंड्स MACD का वाइट लाइन ऊपर में है, स्टॉक्स डेफिनेटली ऊपर जाएगा फ्रेंड्स। ये 90% तक सही होता है फ्रेंड्स MACD। और ये देखिए जैसे ही रेड वाइट लाइन क्रॉस करके रेड लाइन को नीचे की तरफ आने लगा, वाइट लाइन नीचे आ गया रेड लाइन को क्रॉस करके, ये देखिए फ्रेंड्स स्टॉक्स भी यहाँ से करेक्ट होना शुरू हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह आप लोग MACD और 20 डे का मूविंग एवरेज और 7 डेज का मूविंग एवरेज यूज़ करके आप लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स 10 से 15% का। चलिए अब हम लोग इसको 2 आवर्स के चार्ट पर समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने यहाँ पे 2 आवर्स का चार्ट ओपन कर लिया। 2 आवर्स पे भी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए MACD ने यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर किया, उसके बाद देखिए सीधा MACD ऊपर, और ये देखिए फ्रेंड्स स्टॉक भी सीधा ऊपर।
और आप लोग और एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स, ये 2 आवर्स कैंडल पे बिल्कुल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सपोर्ट और ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रहा है फ्रेंड्स। जबरदस्त स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स, इस स्ट्रैटेजी के मदद से आप लोग इजिली पैसा अर्न करेंगे फ्रेंड्स। जैसे देखिए 2 आवर्स कैंडल पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला भाई 275 के करीब, थोड़ा सा नीचे में ब्रेकआउट मिला, आप लोगों को स्टॉप लॉस फ्रेंड्स इस कैंडल के नीचे में रखना और फिर टारगेट आपको इजिली अचीव हो जाए फ्रेंड्स। तो इस तरह आप लोग ट्रेडिंग करेंगे तो फ्रेंड्स डे टू डे आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अपना टारगेट और स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करें फ्रेंड्स। यहाँ तक कि हालांकि देखिए 2 आवर्स पर भी MACD ने नेगेटिव क्रॉस ओवर नहीं किया है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव क्रॉस ओवर करने ही वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टिल रेड 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 बनने लगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये देखिए ये जो कैंडल बना है फ्रेंड्स, डोजी टाइप में कैंडल बन गया फ्रेंड्स, यानी यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग इसी चार्ट को और एक चार्ट पे समझ लेते हैं, और एक स्टॉक्स के ऊपर समझ लेते हैं इस ट्रेडिंग आइडिया को। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डीमार्ट का चार्ट ओपन कर लिया फ्रेंड्स। डीमार्ट मैंने फ्रेंड्स इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि स्टॉक्स को किस लेवल पे बाय करना आप लोगों को सही रहेगा, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जरूर इस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए आप लोग, अब ये देखिए MACD फ्रेंड्स ऊपर की तरफ गया, स्टॉक भी देखिए फ्रेंड्स ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। सिंपल स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स, जब भी MACD का वाइट लाइन रेड लाइन क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने लगे आप लोगों को वहाँ पे ट्रेड में इंटर करना है फ्रेंड्स। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी मिला है फ्रेंड्स, ये देखिए इतने सारे कैंडल फ्रेंड्स 2 आवर्स के मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 1 आवर का कैंडल लगा रखा है। इतने दिनों से फ्रेंड्स स्टॉक एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा था, यानी 16, 17 और 20 तारीख को स्टॉक्स ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया फ्रेंड। उसके बाद ये देखिए सीधा ऊपर की तरफ निकल गया फ्रेंड स्टॉक। जैसे ही ब्रेकआउट का मिला आप लोगों को कन्फर्मेशन मिल गया, आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना है और प्रॉफिट फ्रेंड्स आप लोग देख ही सकते हैं। तो इस तरह आप लोग ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड। और इसमें आप लोग और एक चीज़ देखिए, आप लोगों का स्टॉप लॉस तो यहाँ पर रख सकता है, अगर आप लोगों को टारगेट सेट करना तो ये देखिए फ्रेंड्स, टारगेट के लिए पहला रुकआउट फ्रेंड्स यहाँ पर था 2150 के करीब। ये देखिए 2150 के करीब जाए कुछ दिन कुछ देर कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर से एक ब्रेकआउट मिला फ्रेंड्स, फिर देखिए सीधा ऊपर जो कि 2150 तक का लेवल था। क्योंकि फ्रेंड्स ये देखिए 2150 फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक रेजिस्टेंस बनता है फ्रेंड्स 2150। तो यहाँ पे आप लोगों को इजीली ऐसे ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट अर्न होगा फ्रेंड्स। उसके बाद ये देखिए MACD ने भी यहाँ पे क्रॉस ओवर कर लिया, नेगेटिव क्रॉस ओवर, फिर देखिए स्टॉक्स भी नीचे आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये जो 7 डेज़ का जो मूविंग एवरेज का लाइन है ये देखिए फ्रेंड्स, इसने इसको भी ब्रेक कर दिया है। 7 डेज़ का लाइन से अभी स्टॉक्स नीचे चल रहा है और इसने फ्रेंड्स 20 डे के लेवल को भी ब्रेक कर दिया, 20 डे का वो जो मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेक कर दिया फ्रेंड्स, इसलिए स्टॉक्स अब नीचे आने के लिए बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी आप लोग इसको जरूर डीप पे जरूर बाय करें फ्रेंड्स। और स्टॉक्स के बारे में और जानने के लिए फ्रेंड्स मेरा जो सेपरेट वीडियो बना है आप लोग उसको जरूर देखिए फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग इसको और एक चार्ट पर समझते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टाइटन का चार्ट ओपन कर लिया, ये देखिए टाइटन का चार्ट, यहाँ पे मैंने 2 आवर्स का कैंडल लगा रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स MACD ऊपर, ये लाइन भी 7 डेज का जो मूविंग लाइन है वो भी ऊपर, स्टॉक ऊपर फ्रेंड्स। जैसे इसने ब्रेक किया MACD ने नीचे नेगेटिव क्रॉस ओवर किया, MACD नीचे आ गया फ्रेंड्स, स्टॉक्स भी नीचे आ गया। फिर से देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड, MACD में भी अप ट्रेंड। इस तरह से अगर आप लोग ट्रेडिंग करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न होगा फ्रेंड्स। और ये देखिए 2 आवर्स का चार्ट फ्रेंड्स पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अच्छा है फ्रेंड्स, आप लोग इसे 1 आवर पर भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ 1 आवर्स पर भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो भी अच्छा। लेकिन 2 आवर्स पर देखिए ये जो 7 डेज़ का जो मूविंग एवरेज का लाइन है ये बिल्कुल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सपोर्ट की तरह। देखिए जब भी इस 7 डेज़ के मूविंग एवरेज पर आ रहा है फिर स्टॉक वहाँ से ऊपर निकल जा रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए और यहाँ से MACD ने भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर किया, ये भी पॉजिटिव ओवर क्रॉस कर दिया। यानी जब भी 7 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, ये जो येलो लाइन है 20 डेज़ का मूविंग एवरेज, जब भी 7 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 20 डे के मूविंग एवरेज से क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल जाए, और यहाँ से देखिए ब्रेकआउट भी मिल ही रहा है, और ये MACD ने भी नीचे से कंफर्मेशन दे दिया, तो आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना है। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे में होगा, टारगेट ये देखिए फ्रेंड ईजिली टारगेट आपको मिल जाएगा। यानी जब ब्रेकआउट दिया स्टॉक्स ने उस टाइम उसका प्राइस वही 1000 के नीचे था, यानी 990 के करीब था फ्रेंड्स, वहाँ से ईजिली 60-70 रुपये आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा फ्रेंड्स, वो भी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन है फ्रेंड्स। तो इस तरह आप लोग एक ट्रेड में 10% तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सपोज आप लोग इमेजिन कीजिए कि अगर आप लोग सिर्फ 10 ट्रेड लेते हैं फ्रेंड्स तो ईजिली 100% का प्रॉफिट अर्न होगा फ्रेंड्स, यानी 10 ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों का जो मनी है वो डबल हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल डबल फ्रेंड्स। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिंग आइडिया फ्रेंड्स, आप लोग इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। और फ्रेंड्स ट्रेडिंग के दौरान स्टॉप लॉस और टारगेट्स दोनों
आप लोगों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना है और टारगेट का भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स। जब भी स्टॉक रेजिस्टेंस के पास जाने लगे फ्रेंड्स, वहाँ पे आप लोगों को केयरफुल हो जाना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसने फ्रेंड्स इस रेजिस्टेंस के करीब कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये देखिए इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यानी ये जो कैंडल बना इसने ब्रेक कर दिया फ्रेंड्स, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया स्टॉक्स फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब भी ब्रेकआउट मिले, ब्रेकआउट पे आपको बाय करना है, नीचे से MACD से कंफर्मेशन लेना है और फ्रेंड्स ऊपर में 20 डे और 7 डेज के मूविंग एवरेज से कंफर्मेशन लेके फ्रेंड्स आप लोग ट्रेड में इंटर कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसी तरह के बहुत सारे आइडिया को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।